अब वायरल टेस्ट में बात पंजाब पुलिस की फाइल्स में मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह की। 18 मार्च से अमृतपाल फरार है और पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश रही है। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अमृतपाल को लेकर सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा भी किया जा रहा है। दावा यह है कि पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने लड़कियों की तरह हुलिया बना रखा है। तो क्या लड़कियों जैसा लुक की वजह से अमृतपाल को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई, यह भी सवाल है। क्या अमृतपाल ने लड़कियों की तरह बनाया हुलिया? क्या है अमृतपाल की वायरल तस्वीर की सच्चाई? क्या मोस्ट वांटेड अमृतपाल का हुलिया ऐसा है? अमृतपाल के लड़की जैसे लुक वाली तस्वीर का सच? आठ राज्यों में पंजाब के मोस्ट वांटेड अमृतपाल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। यहां तक कि भारत नेपाल बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। एक एक कर अमृतपाल के राजदारों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन 18 मार्च को एक बार अमृतपाल पुलिस की आंखों से ओझल हुआ तो फिर पकड़ में नहीं आया। पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा चुका है कि अमृतपाल हर दिन अपना हुलिया बदल रहा है ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो है वो एफर्ट्स कर रही है उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो है तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इन कस्टडी। तो क्या पुलिस की नाकामी के पीछे है अमृतपाल का लड़कियों जैसा हुलिया? दरअसल सोशल मीडिया पर अमृतपाल की ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अमृतपाल लड़की के रूप में नजर आ रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए उसने अपना हुलिया लड़कियों जैसा बनाया हुआ है। आखिर वायरल तस्वीर का सच क्या है? हमने पड़ताल शुरू की तो अमृतपाल की एक पुरानी तस्वीर, जब अमृतपाल दुबई में रहता था और ना तो उसके सिर पर पगड़ी है और ना चेहरे पर दाढ़ी। अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वायरल तस्वीर में सिर्फ बाल लंबे हैं। तो क्या पुलिस ने ये तस्वीर जारी की है? पड़ताल के दौरान हमने पंजाब पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसी कोई तस्वीर पुलिस की तरफ से जारी नहीं की गई है। हाँ, तलाश के दौरान पुलिस को अमृतपाल की सीसीटीवी फुटेज मिली है। सीसीटीवी फुटेज में भगौड़ा अमृतपाल किसी सामान्य पंजाबी लड़के के रूप में पैंट और शर्ट में नजर आया। उसके सिर पर पगड़ी भी है, लेकिन कहीं भी अमृतपाल लड़कियों के हुलिये में नहीं दिखा। मतलब ये सोशल मीडिया पर लड़कियों जैसा लुक वाला दावा झूठा और भ्रामक है। हमारी पड़ताल के दौरान पता चला कि पुलिस की तरफ से भगौड़े अमृतपाल के लुक को लेकर कुछ संभावनाएं जाहिर की गई हैं। इसे यूं समझिए, ये तस्वीर फरार होने से पहले की है। अमृतपाल के चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर पगड़ी है। अगर लुक नहीं बदला तो ऐसा दिख रहा होगा अमृतपाल। अगर अमृतपाल ने पगड़ी नहीं हटाई लेकिन दाढ़ी हटा ली, यानी क्लीन शेव है, तो ऐसा दिखेगा। अगर अमृतपाल ने पगड़ी नहीं हटाई लेकिन दाढ़ी छोटी कर ली तो अमृतपाल का चेहरा ऐसा दिखेगा। अगर अमृतपाल अपनी दाढ़ी और बाल पहले की तरह छोटे करवा लेता है तो चेहरा ऐसा दिखेगा जैसा 2 साल पहले तक दिखता था। ये बात सच है कि अमृतपाल ने अपना हुलिया बदला, लेकिन लड़कियों जैसा हुलिया बना रखा है ऐसा कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। मोस्ट वांटेड अमृतपाल को पंजाब पुलिस के अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस भी सरगर्मी से तलाश रही है। ऑपरेशन अमृतपाल की कमान संभाल रही पुलिस टीम को अमृतपाल की वेश बदलने वाली भी फुटेज हाथ लग चुकी है। पहले मर्सिडीज, उसके बाद ब्रेजा और उसके बाद बाइक से भाग रहा अमृतपाल पुलिस की सोच से 2 कदम आगे चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि बलजीत कौर नाम की इस महिला ने अमृतपाल को अपने घर में छिपा कर रखा था। 72 घंटे तक अमृतपाल बलजीत कौर के घर कुरुक्षेत्र की इसी कोठी में रहा।
मतलब ये है कि हमारी पड़ताल में ये जरूर पता लगा कि अमृतपाल की फरारी में लेडी एंगल है, लेकिन लड़कियों जैसा हुलिया वाला दावा सच नहीं निकला। वायरल टेस्ट टीम आज तक।